तहरीके अदम इत्मान मुस्तरद और कौमी असम्बली तहलील करने से मुतालिक केस सुप्रीम कोर्ट का 5 अपील आजर बेंच असम्बली तहलील करने पर समाअत करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस से असगुद नोटिस पर फरीकैन को नोटिस जारी। एफआई अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत मुस्लिम लीग नून के नायब सदर हमजा शहबाज अदालत में पेश। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर मुलजमान पर आज फर्द जुर्माइद किए जाने का इम्कान। अदालत ने मुलजमान की उबूरी जमानत आज तक मंजूर कर रखी है। इमरान खान का बतौर वजीर आजम ओहदा खत्म होने का नोटिफिकेशन। काबीना डिवीजन ने बतौर वजीर आजम भी नोटिफाई कर दिया। आर्टिकल 94 के तहत सदर मुमलिकत की वजीर आजम को निगरान वजीर आजम के तकर्रुरी तक काम जारी रखने की हिदायत। 25 सफाकी वुज़रा, 4 वुज़राए मुमलिकत, 19 मामलीन और 4 मुशीरों को भी डी नोटिफाई कर दिया गया। इमरान न्याजी ने मुल्क आइन के खिलाफ भी बगावत की है जिसकी सजा आइन के आर्टिकल 6 में दर्ज है। मुतहदा अपोजिशन का एलामिया। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया। कहा इमरान खान और डिप्टी स्पीकर पर आर्टिकल 6 लगेगा। आसिफ जरदारी ने कहा इलेक्शन और हर किस्म की सूरत हाल के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान आपकी बगावत की कोशिश कामयाब नहीं होगी। मौलाना फजल रहमान ने कहा इमरान खान ने मजहब का खेस सरफराज किया। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कायम रहेगी। सियासत के फैसले अदालतों में नहीं होते, सियासत के फैसले सड़कों और आवाम में होते हैं। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा वो तो इमरजेंसी की बात करते थे। वजीर आजम ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कानून के मुताबिक इमरान खान 15 दिन वजीर आजम रहेंगे। इलेक्शन 90 दिन बाद तय हो गए हैं। लंदन में मियां नवाज शरीफ के दफ्तर पर हमला। 15 से 20 हमलावरों में बाद ने मास्क पहने हुए थे। नून लीग की कारकुनान और हमलावरों में हाथापाई। 3 अफराद जख्मी। पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। 2 लीगी कारकुनान और 2 हमलावर शामिल। भावलपुर के इलाके नौशहरा जदीद में पुलिस मुकाबला। 5 डाकू हलाक, साथी फरार। डाकुओं से कलाशनकोफ और पिस्तौल बरामद। मुलजमान ने नाके पर मौजूद एहलकारों पर फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए। कहुटा कैनल पुल के करीब कार और मोटरसाइकिल में तसादुम। 2 अफराद जहां भर क्लाशें। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल बंद। कोरोना से 24 घंटों के दौरान कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मजीद 23,265 टेस्ट में से 156 अफराद में वायरस की तस्दीक। मस्बत केसेज की शरह 0.6% रही। कोरोना ने 320 मरीजों की हालत तश्वीशनाक।